तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कैन नॉट बिलीव कि मैं ये फाइनली बोलने वाला हूँ। जो लव्स मेरे मुंह से अभी निकलने वाले हैं मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा, बट GTA 6 इज फाइनली कन्फर्म्ड एंड Rockstar Games ने अनाउंस किया है कि उसका पहला ट्रेलर आने वाला है दिसंबर में, यानी नेक्स्ट मंथ। We did it! 10 साल के वेट के बाद, भाई जब GTA 5 रिलीज हुआ था 2013 में, मैं 9 साल का था, अब मैं 19 का हूँ, एंड अब जाके GTA 6 का पहला ट्रेलर आएगा। भाई आई लव GTA 5 सो मच, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम्स ऑफ ऑल टाइम, बट आई एम रेडी टू पुट दैट गेम टू बेड। बहुत खेल लिया भाई, बहुत हो गया, सारे मोड्स डाउनलोड कर लिए, सारा स्टोरी मोड भी कम्प्लीट कर लिए, 50,000 GTA 5 की जो ऑनलाइन अपडेट्स थी वो भी खेल ली। नहीं होता अब, नहीं होता भाई मुझसे। तो यस, ये झूठ नहीं है, GTA 6 इज ऑफिशियली कंफर्म्ड, एंड इस बार जो कंफर्मेशन आई है वो आई है डायरेक्टली Rockstar Games की तरफ से। तो Rockstar Games की कोई एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी आज, एंड उन लोगों ने ये ट्वीट करके कंफर्म किया, वी आर वेरी एक्साइटेड टू लेट यू नो दैट इन अर्ली डिसम्बर वी विल रिलीज द फर्स्ट ट्रेलर फॉर द नेक्स्ट ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। वी लुक फॉरवर्ड टू मैनी मोर ईयर्स ऑफ शेयरिंग दीज एक्सपीरियंसिस विद ऑल ऑफ यू। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए इस अनाउंसमेंट को, एंड ऑलरेडी इस पे 135 मिलियन इंप्रेशंस हैं इस ट्वीट पे सिर्फ। GTA 6 का ट्रेलर जब दिसंबर में आएगा ना, इट विल लिटरली ब्रेक द इंटरनेट, लाइक सच में तोड़ देगा नेट को पूरा। भाई इतनी हाइप मैंने किसी वीडियो गेम के लिए नहीं देखी, जो लास्ट हाइप ऐसी देखी थी मैंने GTA 5 के लिए ही देखी थी। भाई आई थिंक लास्ट सितंबर में अराउंड GTA 6 का जो लीक्ड फुटेज रिलीज हुआ था, मतलब हैक कर लिया था किसी हैकर ने, भाई उस लीक्ड फुटेज ने इतना ज्यादा हाइप कर दिया था ना, उससे इतनी सारी चीजें कंफर्म हुई थी। सबसे पहले तो दो कैरेक्टर्स होने वाले हैं इस गेम के अंदर, एक फीमेल एक मेल, एंड फर्स्ट टाइम एवर फीमेल कैरेक्टर भी होने वाला है, मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट, एंड भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूं उसके लिए भी। उसके अलावा गेम की जो लोकेशन है वो पता है किधर है? Vice City। GTA Vice City is my favorite game of all time। हम लोग इतने साल बाद GTA Vice City में जाने वाले हैं, Vice City में। भाई मैं तो इतना सुन के ही, भाई मेरे सारे पैसे ले लो भाई, सब ले लो मुझसे पैसे, मैं तो इतना सुन के ही गेम खरीदने को तैयार था। बस अब चाहिए तो बस एक टॉमी वर्सिटी का कैमियो। भाई जवान मूवी तो देख ली होगी ना आप लोगों ने, तो उसके अंदर जैसे वो शाहरुख खान का बूढ़ा वर्जन होता है ना, मतलब जो उसका पापा होता है, स्पॉयलर्स दे दिए बट खैर, जो वो वर्जन होता है ना, उसी तरीके से अगर एक मिशन में सोचो हमारे दोनों मेन प्रोटैगनिस्ट फंसे हुए हैं, एंड एकदम से टॉमी वर्सिटी की ऐसे एंट्री होती है, भाई वो आके हमें बचाता है, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मुझे नहीं पता। भाई इसकी अनाउंसमेंट ने, ट्रेलर अनाउंसमेंट ने लोगों को इतना ज्यादा हाइप कर दिया है, तो सोचो कि मतलब जब ये ऑफिशियली रिलीज होगा, एंड इससे मेरे को याद आया कि काफी लोग बोल रहे हैं कि ये गेम अभी अनाउंस हुआ है तो इसको 2 साल लगेंगे आने में। आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, आई थिंक GTA 6 नेक्स्ट ईयर ही आ रहा है, अराउंड अक्टूबर आई थिंक, मेरी ये प्रेडिक्शन हो गई कि अक्टूबर 2024 में ये रिलीज करेंगे, क्योंकि भाई ऑलरेडी इतना वेट कर चुके हैं इसके लिए, इतना ज़्यादा 10 साल, कभी भी किसी GTA गेम में इतना गैप नहीं हुआ, तो 2 साल और वेट नहीं करवाएंगे, मुझे नहीं लगता। आई विल प्रोबेबली बी रॉन्ग एंड ये गेम 2025 में आएगा, बट आई होप ऐसा ना हो भाई, प्लीज 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 देख लो भाई, कंटेंट खत्म हो गया, दे दो यार GTA 6 सब। इस साल जो था 2023 वो गेमिंग के लिए इतना खास नहीं था, आपने काफी गेमिंग चैनल्स को देखा होगा कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, इंक्लूडिंग माइन, क्यों झूठ बोलूं, बट भाई GTA 6 जब आएगा ना, गेट रेडी फॉर द बेस्ट GTA कंटेंट आउट देयर। भाई बस मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, बिकॉज आई विल मेक द बेस्ट GTA 6 कंटेंट आउट देयर। इतने क्रेजी प्लान्स है ना मेरे इस गेम के लिए कि मतलब आप लोगों को बताया ना तो अभी से आप लोग हाइप हो जाओगे, बस हमें थोड़ा सा और वेट करना है, इट इज ऑलमोस्ट हेयर, मुझे बस कॉन्स्टेंटली आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोगों को मैं पूरा एक्सपीरियंस दूंगा, जो GTA 6 नहीं भी खेल सकते ना भाई, मैं उनको पूरा एक्सपीरियंस दूंगा, हर एक एक चीज दिखाऊंगा आपको गेम की, एंड भाई मजा आने वाला है भाई, बहुत ज्यादा। आई एम श्योर कि जब GTA 5 रिलीज हुआ था, आप में से सारे काफी लोग, मोस्ट लोग बच्चे ही थे, बहुत छोटे थे, मतलब मैं खुद 9 साल का था जब मैंने GTA 5 खेला था, तो PS3 पे खेला था, PS3 वर्जन खेला था, वही जब मैं 9 साल का था। जब 6 आ रहा है तो हम सारे ऑलमोस्ट थोड़ा से बड़े हो गए, तो अब सोचो कि मतलब हम उसको प्रॉपरली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, बस यही बोलूंगा कि आई कैन नॉट वेट, एंड बस कुछ हफ्ते, 2-3 हफ्ते और वेट करना है बस, एंड पहली बार हम लोगों को GTA 6 की एक झलक मिल जाएगी, एंड भाई हम लोग साथ मिल के उसके ट्रेलर पे रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन वीडियो मैं पोस्ट भी करूंगा। Just get ready भाई, the hype is so real। अगर ये game next year आ रहा है तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, and I'm sure कि आप सब लोग मेरे साथ रहोगे, बहुत मजा आने वाला है। Thank you so much for watching this video, and I'm so excited for the trailer। Peace and love, bye bye।